मैं हूँ मोमिन दिलशाद। आज मैं ये वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ, इंदिरा के सामने मेरे दोस्त की बहन को इधर लाया गया, मरियम बानो। 26 तारीख को एडमिट किया डिलीवरी के मामले में। जब डिलीवरी के लिए एडमिट किया गया, डिलीवरी के दिन रात में नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक सिस्टर और एक सफाई करने वाली थी, वो लोग ने डिलीवरी किए, डॉक्टर यहाँ नहीं था। कल रात में भी डॉक्टर नहीं था, अभी भी डॉक्टर नहीं है। आज बच्चे को झटका आया तो डॉक्टर, बच्चे के डॉक्टर ने लिख के दिया इमरजेंसी में ये रिपोर्ट ले आने का। ये देखो खून दिया है, बाहर से रिपोर्ट करा रहे हैं, इनके पास इमरजेंसी में खून चेकअप करने वाला कोई नहीं है। ये इंदिरा दवा खाने को मैंने इससे एक साल पहले, एक साल हो गया लगभग, उसको मैं बंद करने का इंदिरा में लेटर दिया था, इसको बंद करो, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है। और रईस शेख बहुत बड़ी बड़ी बाकायदी करके चले जाते हैं इंदिरा में, हमने ये किया, इससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो बनाया, मैंने कंप्लेंट किया, खून चेकअप बाहर से होता है, तो ये क्या है, ये बाहर से क्यों लिख कर दिया गया है? आखिर यहाँ पे खून चेकअप करने वाले लोग है क्यों नहीं? यहाँ पे मशीनें क्यों नहीं है? डॉक्टरें क्यों नहीं है? रईस शेख क्या बड़े बड़े वादे करते हैं भिवंडी के लोगों को, सबको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं रईस शेख। ये रईस शेख की पोल है, देख लो किस तरह लोगों को बाहर से लिख के और बाहर से चेकअप कराने के लिए दिया गया, और इसके अगर रात में डॉक्टर रहते ही नहीं है। ये मैंने एक साल पहले भी दवा खाने में लेटर दे के इन्होंने जवाब दिया है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, इतने खाड है, इतने ये है, इसका जिम्मेदार कौन? महाराष्ट्र सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इंदिरा दवा खाना है जो तत्काल बंद होना चाहिए, या तो सारी सुविधा अगर आप लोग नहीं करते तो हम आपके खिलाफ़ बाकायदा कोर्ट जाएंगे। ये देख लो हमारे पास सबूत है, जो आप लोगों ने इंदिरा वाले ने लिख के दिया है कि इनके पास इमरजेंसी में कोई रिपोर्ट देने वाला नहीं, और इनके पास रात में कोई डॉक्टर भी नहीं है पेशेंट के पास, और सिस्टर और एक सफाई करने वाली है। आप लगे तो इसकी चेकिंग करो, 3 दिन से हमारा पेशेंट पे आया हूँ कल्याण रोड पे गुप्ता लैब, उसमें 10 मिनट में रिपोर्ट हमको मिल गई। और इंदिरा में हमने 8 नंबर में गए तो 8 नंबर ने चेकअप चेक जो रिपोर्ट बना था उसको फ़ोन किया, वो घर पे है और बोले कि रिपोर्ट कल होगी, वो भी 24 घंटा लगेगा। यहाँ पे प्राइवेट में 10 मिनट में रिपोर्ट हमको मिल गई है, ये देख लो ये रिपोर्ट कॉपी है। ये किस तरह का इंदिरा में खेल हो रहा है जनता के साथ, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा, मुख्यमंत्री से, हम इसके खिलाफ कल जो इनके डॉक्टर है, जो मेन डॉक्टर है, उनसे मिलेंगे। अगर ये सभी अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किए तत्काल, तो इनके खिलाफ कोर्ट जरूर जाएंगे। और रईस शेख के जो उन्होंने अपना बड़ा बड़ा वादे कर रहे हैं ना, उनकी पोल ये सामने दिख रही है, ये लैब भी देख लो किस तरह है इंदिरा के अंदर। 10 ये रिपोर्ट 10 मिनट में हमको यहाँ मिल गई। अब और अभी जो डॉक्टर है वो डॉक्टर को दिखाई, रिपोर्ट ला के दिए, सिस्टर ने रिपोर्ट देखी लेकिन डॉक्टर नहीं है। सिस्टर ने रिपोर्ट देखने के बाद बोल रही है कि कल डॉक्टर आएंगे तो बताएंगे, बच्चे का वाइट खून बढ़ गया, खून में इन्फेक्शन है, और कल डॉक्टर आएंगे सुबह तो रिपोर्ट देख के फिर आगे का इलाज किया जाएगा। ये इंदिरा दवा खाना है, इसके अंदर डॉक्टर नहीं, आप देख सकते हो इतना बड़ा एक भिवंडी शहर का एक हॉस्पिटल है। और ये रईस शेख की मेहरबानी है, जो बड़े बड़े वादे करे हैं कि हमने ये सुविधा करे, वो किए, डॉक्टर है कहाँ है, कहीं कुछ नहीं है। और ऐसे दवाखानों को बंद करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे जितने डॉक्टर अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है ड्यूटी पे, सबको कल सस्पेंड, अगर यहाँ के डॉक्टर ने, मेन डॉक्टर ने नहीं किया, और मेन डॉक्टर भी कोई नहीं है, तो इसका कौन रेख देख करेगा, इसके माँ बाप कौन है? ये हमको अभी इसका जवाब लिखत में चाहिए, इनके पास सबके ऊपर एफआईआर का होना चाहिए। और शांतिनगर पुलिस से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सभी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए कि इमरजेंसी में कोई डॉक्टर क्यों मौजूद नहीं है।